गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसमें आपको चैप्टर 14 समझाऊंगी सोशल साइंसेस का। ओके, और फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। ओके, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट, हम इंडिया में तरह तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो नेशनल भी होते हैं। ओके, और कौन से होते हैं, और रिलीजियस फेस्टिवल्स भी होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद गुड थॉट। ओके, तो समटाइम्स यू विल नेवर नो द वैल्यू ऑफ अ मोमेंट अंटिल इट बिकम अ मेमोरी। ओके बेटा, इसका मतलब है कि कभी आप जब किसी क्षण को जो आपके लिए इतना कीमती होता है, इतना प्रेशियस होता है, उसको आप खो देते हैं। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सामने लैपटॉप चला दिया और फिर सो गए। कुछ बच्चे लेट कर ही अपने ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो जब ये आपका मोमेंट गुजर जाएगा, जब ये बीत जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप पछताओगे, अरे भाई मेरे तो कम मार्क्स आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ। तो आपको क्या करना है, हम उस टाइम उस मोमेंट की, उस क्षण की, उस समय की हम वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं, तो और जब वो मोमेंट निकल जाता है तब हम पछताते हैं। ओके, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जब भी पढ़ाई करनी है या ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, जो भी काम करना है, तो हमारे लिए उस टाइम उस पल को आप अच्छे से उसको यूज कीजिए ताकि आपको उसका आपको अच्छे से रिजल्ट मिल सके। ओके, यस, तो हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अपना नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, और अभी मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ इसके बारे में, रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। ओके, तो चलो अब चेक पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं पहले। सो व्हेन डू वी सेलिब्रेट दीज नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, ये आपका रिकैप भी हो जाएगा। रिपब्लिक डे, सो व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, हम कब सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, ऑन 26 जनवरी। ओके, एंड इंडिपेंडेंस डे, हम इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑन 15 अगस्त। ओके, सो व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ऑन 15 अगस्त, एंड रिपब्लिक डे वी सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी। ओके, एंड गांधी जयंती वी सेलिब्रेट ऑन 2 अक्टूबर। ओके, और द सेम डे वी सेलिब्रेट एज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ओके, इन द प्रीवियस क्लास आई टॉक टू यू अबाउट दिस। ओके, अगर आपको जानना है, आपने स्कूल नहीं पढ़ाया कुछ बच्चों ने, तो उसको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, और समझ सकते हैं अबाउट द नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, नाउ रिलीजियस फेस्टिवल्स, जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो बहुत सारे होते हैं और हर धर्म के होते हैं, हर रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे कोई होली, जैसे अपना हिंदू फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, जैसे होली है, दिवाली है, ओके, रक्षाबंधन है, मैनी मोर फेस्टिवल्स आर देयर इन इंडिया, इन अवर कंट्री। ओके, सो इंडियंस सेलिब्रेट मैनी रिलीजन्स रिलीजियस फेस्टिवल्स, लेट अस रीड अबाउट अ फ्यू। ओके, कुछ के बारे में हम इसमें समझेंगे। और जैसे होली है, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली किसका फेस्टिवल है, कलर्स का। इट इज सेलिब्रेटेड इन मार्च, और ये मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल थ्रो कलर्ड पाउडर कॉल्ड गुलाल, और जो पीपल एक दूसरे पर को क्या लगाते हैं, कलर्ड पाउडर लगाते हैं, जिसको हम गुलाल कहते हैं, एंड स्प्लैश वाटर ऑन वन अनदर, और एक दूसरे पर हम पानी भी छिड़कते हैं और पानी भी फेंकते हैं, इससे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी मस्ट सेव वाटर, ओके, वी मस्ट कंजर्व वाटर, हमें पानी को बचाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी प्रीशियस फॉर ऑल लिविंग बींग्स, हम सभी के लिए ये बहुत जरूरी है। वाटर के बिना लाइफ सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हम जी नहीं सकते हैं। ओके, सो इट इज़ अवर नेसेसिटी थी। दशहरा ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी, अब मैं आपको किसके बारे में पढ़ाऊंगी, दशहरा। तो दशहरा को हम क्या कहते हैं, दूसरा इसका नाम क्या है, विजयादशमी। सेलिब्रेट्स द विक्ट्री, और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल, और ये अच्छाई का बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन रामचंद्र जी ने रावण को मारा था, क्योंकि वो उसने बहुत बुराइयां की थी, उसने सीता माता का हरण कर लिया था, उनको उठा कर लेकर गया था। ओके, तो इसीलिए उसी पर बेस्ड
दिस जो है रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला इज परफॉर्म ड्यूरिंग दशहरा, और दशहरा के दिनों में ही हम रामलीला परफॉर्म करते हैं। ओके, एट दिस टाइम दुर्गा पूजा और नवरात्रि इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन सेम सम स्टेट्स। ओके, और कुछ स्टेट्स में दुर्गा पूजा और नवरात्रि को भी सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली, दिवाली और दीपावली मीन्स आर वो ऑफ लाइट्स। व्हाट इज द मीनिंग, क्या मीनिंग है दिवाली का? दीपावली, दीपावली मीन्स वो ऑफ लाइट्स, एक लाइट्स की पंक्तियां। ओके, इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, इसीलिए इट इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। कभी यह अक्टूबर में आता है और कभी दिवाली नवंबर में आती है। ओके, पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद दियास, कैंडल्स एंड लाइट्स। और आप लोग क्या करते हैं, कैंडल्स दिया से अपनी हाउस को डेकोरेट करते हैं ना, तो सभी लोग इस दिन क्या करते हैं, दियास और कैंडल्स और लाइट्स से अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं। दे ऑल्सो मेक अ रंगोली एट द एंट्रेंस ऑफ देयर हाउसेज, और अपने हाउस के जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर वो क्या बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं अपने हाउस को डेकोरेट करने के लिए। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ गुरुपर्व। गुरुपर्व क्या है बेटा? जो पीपल, जो पंजाबी पीपल होते हैं, जो सिख पीपल होते हैं, वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? गुरुपूर्व। ओके, गुरुपूर्व इज सेलिब्रेटेड द ओनर एंड रिमेंबर द 10 सिख गुरुज। ओके, ये 10 सिख को रिमेंबर करने के लिए, उनको याद करने के लिए गुरुपूर्व सेलिब्रेट किया जाता है। एंड प्रेयर्स एंड लंगर आर हेल्ड इन गुरुद्वारास ऑन दिस डे, और लंगर भी लगाया जाता है गुरुद्वारास में दिन पर। ओके, और पीपल टेक आउट प्रोसेशंस ऑन गुरुपूर्व, चिल्ड्रन ऑल्सो टेक पार्ट इन इट इन इन दैम। ओके, तो क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस भी पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, एक रैली सी टाइप निकाली जाती है, एक प्रोसेशन निकाला जाता है गुरुपूर्व के दिन। ओके, यस, ईद। अब जो ईद है वो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये मॉडर्न्स मुस्लिम्स रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो हर धर्म के, सभी धर्म के सभी फेस्टिवल लोग, सभी धर्मों के सभी लोग सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, यही हमारी इंडिया की क्वालिटी है। और ये, ओके, सो ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा आर टू मेन ईद दैट पीपल सेलिब्रेट, जो लोग सेलिब्रेट करते हैं। पीपल प्रे टुगेदर इन मॉस्क। ओके, और मॉस्क में, मस्जिद में जाके लोग प्रेयर करते हैं इस दिन पर। ओके, आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या करते हैं, वो ईद नमाज, है ना, ईद नमाज करते हैं। फिर आपने देखा भी होगा मूवीज में, पीपल विश ईच अदर, एक दूसरे को ईद मुबारक विश करते हैं, जैसे हम हैप्पी होली हैप्पी दिवाली करते हैं, लाइक दैट। ओके, तो अब उसमें क्या होता है, यस, पीपल प्रे टुगेदर इन मॉस्क आफ्टर द ईद नमाज प्रेयर्स। People wish each other Eid Mubarak, sevai, a sweet dish is prepared on Eid al-Fitr. और एक स्वीट डिश प्रिपेयर की जाती है ईद उल फितर पर। ओके, तो कौन सी होती है वो, क्या नाम है उसका, सेवैया, सेवैया। और जो स्वीट डिश का नाम है, सेवैया नाम की जो स्वीट डिश है, वो इस दिन को जरूर बनाते हैं। ओके, मोस्ट पीपल गिव क्लॉथ्स एंड मनी टू द पुअर एंड द नीडी पीपल। ओके, और जो कुछ लोग हैं वो नीडी पीपल को क्या देते हैं, उनको डोनेशन देते हैं, उनको मनी डोनेट करते हैं, उनको नीडी पीपल को लोगों को खाना भी देते हैं और मनी भी देते हैं और उनको कपड़े भी देते हैं। ओके, डोनेट करते हैं। क्रिसमस, क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियंस पीपल सेलिब्रेट करते हैं, वैसे सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, सभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। People celebrate Christmas on 25 December. As you know very well, even you also celebrate in school. School में भी celebrate करते हैं ना, हम तो जरूरी नहीं है कि Christian people ही, सब Christian के अलावा हम लोग भी इसको celebrate करते हैं। It is the birthday of Jesus Christ. और ये किसका birthday होता है, Jesus Christ का होता है। उस दिन का, इस दिन 25 December को Jesus Christ का जन्म हुआ था, birth हुआ था। Okay? People put up Christmas trees in their houses and offices and decorate them. और people क्या करते हैं उस दिन, उस दिन अपने house को decorate करते हैं और Christmas tree को decorate करते हैं और अपने offices को भी decorate करते हैं। They also exchange gifts, और वो भी एक दूसरे से gift exchange करते हैं। Special prayers are held in churches, और बहुत special prayers held की जाती है, कहाँ रखी जाती है, चर्च में, और चर्च में जाके वो special prayer perform करते हैं। Now बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा क्या है, बुद्ध पूर्णिमा the birthday of Gautam Buddha. ओके, इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा को हम गौतम बुद्ध के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और
और इसीलिए इसका नाम बुद्ध पूर्णिमा रखा गया है। ओके एंड महावीर जयंती, और महावीर जयंती को किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? जयंती का मतलब ही बर्थडे होता है। ओके बेटा, एंड द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर का सेलिब्रेटेड इज एज महावीर जयंती। और जो लॉर्ड महावीर हैं तो उनको उनके हम बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं महावीर जयंती के रूप में। ओके, नाउ रीड अबाउट अ फ्यू मोर फेस्टिवल्स दैट वी कैन सेलिब्रेट इन इंडिया। और इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ फेस्टिवल्स, ये फेस्टिवल्स के लिए हैं सारे, और ये सारे हम सब इसके फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पोंगल, जो पोंगल है, पोंगल किस क्या कौन सा फेस्टिवल है? इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इस दिन क्रॉप्स को कट किया जाता है। हार्वेस्ट का मतलब होता है कट द क्रॉप्स। ओके, फसलों को काटा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days इन जनवरी, और जनवरी में ये 4 days तक सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, पूरे 4 दिन का इसको तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 4 days इन जनवरी। पीपल मेक कॉलम्स टू डेकोरेट देयर हाउसेस। और पीपल तमिलनाडु के जो पीपल हैं वो अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं, वो जिसको वो डेकोरेट करते हैं उसको वो कॉलम्स बोलते हैं। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी जो है इट्स मार्क द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग। ओके, ये स्प्रिंग सीजन की बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है। ओके, इसीलिए हम उसको बसंत पंचमी से ही स्प्रिंग सीजन की स्टार्टिंग हो जाती है। और गॉडेस सरस्वती, शी इज आल्सो नोन एज द गॉडेस ऑफ लर्निंग, इनको ज्ञान की देवी भी कहा जाता है, इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे, और उस दिन इनकी पूजा की जाती है। पीपल वेयर येलो क्लॉथ, और इस दिन हम सब लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन से क्लॉथ पहनते हैं? येलो कलर। ओके, नवरोज, अब नवरोज कौन सा फेस्टिवल है? इट इज अ फेस्टिवल, इट इज द स्प्रिंग फेस्टिवल। नवरोज इज ऑल्सो अ स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन 21st मार्च, और ये 21st मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड एज द पारसी न्यू ईयर, और इसको पारसी न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सेलिब्रेट करते हैं नवरोज को? पारसी पीपल सेलिब्रेट करते हैं, और इसको पारसी न्यू ईयर भी कहा जाता है। ओके, कब? 21st मार्च को। ओके, एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st मार्च। पीपल ऑफर प्रेयर्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। और उस दिन नवरोज के दिन क्या करते हैं पारसी पीपल? वो प्रेयर भी ऑफर करते हैं। ओके, और एक दूसरे को गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं। बिहू, विच इज द फेस्टिवल ऑफ बिहू? बिहू इज ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। ये आसाम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इस दिन क्रॉप्स को कट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड 3 times इन अ ईयर, और ये साल में 3 बार सेलिब्रेट होता है। जस्ट अमेजिंग, यू मस्ट रिमेम्बर। ओके, बिहू फेस्टिवल जो है पूरे ईयर में 3 बार सेलिब्रेट होता है। ओके, एंड म्यूजिक एंड डांस आर अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग म्यूजिक प्ले करते हैं और डांस भी करते हैं। ये दीज आर द मेन थिंग्स ऑफ दिस फेस्टिवल। ओके, यस, नाउ रक्षाबंधन। एज यू नो वेरी वेल, आप अच्छे से जानते हैं रक्षाबंधन के दिन आप क्या करते हैं। उस दिन जो सिस्टर्स हैं वो टाई करती हैं राखी बांधती अपने भाई को। ओके, राखीज और थ्रेड बांधती हैं ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट एट एंड प्रे फॉर देम, और उनकी लंबी उम्र के लिए विश भी करती हैं। तो वो इस दिन क्या करते हैं रक्षाबंधन के दिन? सारी जो सिस्टर्स हैं वो अपने ब्रदर्स को राखी बांधती हैं। ओके, ओणम, ओणम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओणम जो है केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इज फेमस फॉर बोट रेसेस। ओके, और ये बोट रेसेस के लिए बहुत फेमस है। बहुत ही यहाँ पर ब्यूटीफुल तरीके से आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि यहाँ पर ये ओनम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये केरला पीपल जो है इसको ये स्नेक बोट रेसेस रखी जाती है ड्यूरिंग द ओनम टाइम। ओके, जब ओनम का जो फेस्टिवल होता है तब ये लोग स्नेक बोट रेस करते हैं। यहाँ के लोग कहाँ के लोग? केरला के लोग। नाउ, अब वो उस दिन क्या करते हैं? वो अपनी बोट्स को इतना डेकोरेट, इतने सुंदर तरीके से डेकोरेट करते हैं, और अपनी एलिफेंट्स को भी वो डेकोरेट करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वो एक दूसरे को फीस्ट भी देते हैं, स्पेशल फीस्ट कॉल्ड ओणम सादिया। तो उस ओणम फीस्ट को वो क्या कहते हैं? ओणम सादिया, एंड इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे, और इस दिन ये कुक किया जाता है, ये बनाया जाता है। ओणम सादिया इज कुक्ड ऑन, दिस इज अ
डिश स्पेशल डिश ओके दैट इज कुक्ड ऑन दिस डे ऑन ऑनम. नाउ टीचर्स डे. अब टीचर्स डे तो आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में करते हैं ना. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर. इट इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बर्थडे होता है इस दिन, इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं ऑन 5 सितंबर. ओके एंड द सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया यू नो स्टूडेंट्स डॉक्टर एस राधाकृष्णन वो क्या है, वो हमारे इंडिया के सेकेंड प्रेजिडेंट हैं. ओके चिल्ड्रंस डे. अब चिल्ड्रन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर. ओके ये 14th नवंबर को बनाया जाता है और ये स्पेशल क्या है, इस डे की खासियत स्पेशलिटी ये है कि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है. ओके इट इज अ बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया जो के जो है उनका इस दिन बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, उसी दिन को हम चिल्ड्रंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं. चिल्ड्रन फॉन्डली कॉल्ड हिम चाचा नेहरू और प्यार से बच्चे उनको चाचा नेहरू के कहकर बुलाते थे. ओके आई होप अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा. ओके नाउ वर्ड्स सुनो. आप कुछ वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं. रंगोली और कॉलम क्या होता है, आपके सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि ये रंगोली कॉलम क्या चीज है. तो ये पैटर्न्स होते हैं जो मेड विद कलर पाउडर और राइस, ये कलर पाउडर और राइस से बनाए जाते हैं, तो उनको रंगोली और कॉलम्स कहते हैं. लंगर, अब लंगर क्या होता है, लंगर गुरुद्वारे में दिया जाता है, ये फ्री फूड होता है गिवन इन गुरुद्वारा. ओके टैबलो, अब टैबलो क्या होता है, सीन क्रिएटेड ऑन अ बिग स्टेज ऑन व्हील्स. ओके जैसा आपने देखा था ना जब अपने रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर जो व्हील्स पर लोग डांस करते हुए जाते हैं, कुछ अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हुए जाते हैं. ओके और एलिफेंट्स भी करते हैं है ना, अब उनको डेकोरेट करते हैं तरह तरीके से. तो ये सब क्या है, ये सीन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल सीन्स जो वो बिग स्टेज होते हैं और किस पर होते हैं, वो जिस व्हील व्हील पर होते हैं. ओके व्हील्स पर तो उसको टैबलो कहते हैं. ओके नाउ क्विक रिकैप, अब छोटा सा शॉर्ट क्विक रिकैप मैं आपको समझा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा. फेस्टिवल्स कैन ईदर बी नेशनल और रिलीजियस. फेस्टिवल्स दो तरीके होते हैं, वो नेशनल भी होते हैं और रिलीजियस भी होते हैं. The birthdays of some great people are also celebrated as festivals. और जो हमारे कंट्री के जो बहुत ग्रेट पीपल है उनको हम फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती आर नेशनल फेस्टिवल्स. ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं. कौन कौन से, नंबर वन रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं. पीपल इन इंडिया सेलिब्रेट मैनी अदर फेस्टिवल्स. और जो अपनी कंट्री इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत और दूसरे भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. ओके दे हैव फन ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स. और इसके इन फेस्टिवल्स में क्या होता है, सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत ही इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के में ब्रदरहुड की फीलिंग्स भी होती है, उनको लव और अफेक्शन की फीलिंग्स भी आती है. तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए सभी फेस्टिवल्स को. ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. अगर आपको मेरी वीडियो इससे पहले वाले वीडियो देखना है रिगार्डिंग नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में समझना है, तो मैंने आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं वहाँ से. और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए है. इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में समझाऊंगी. ओके टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी. बाय बाय.